हमारे साथ विनीत संकल्प त्रिपाठी हैं दीपक जी, जो कोर्ट रूम से सीधे आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सीधे विनीत संकल्प त्रिपाठी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से आज हाईकोर्ट के समक्ष रखे। आज सब एलोंगेटेड रूप में सारे विस्तृत रूप से सारे तथ्य और साक्ष्य रखे गए कोर्ट में। कुछ फोटोग्राफ्स भी पुटअप की गई कोर्ट के सामने, जिसमें हिंदू साइंस और टेम्पल के साइंस को दिखाया गया, जिसको उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर आए थे उन्होंने भी कोर्ट को कुछ सबमिट किया है। कंपाइलेशन जो उन्होंने उस दिन सर्वे हुआ था उसकी जो फोटोग्राफ्स थी उसका एक कंपाइलेशन बना के कोर्ट को सबमिट किया। पहले दिन 4 घंटे सर्वे ASI के द्वारा किया गया था, उसकी एक रिपोर्ट यहाँ हाईकोर्ट में सबमिट, रिपोर्ट नहीं उसकी एक फोटोग्राफ्स दी गई है, जो भी फोटोग्राफ्स कलेक्ट की गई थी वो दिया गया है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने किस बात का विरोध किया कि ASI का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम पक्ष ने वही अपनी दलील दी कि अभी ये स्टेज नहीं है, जबकि ये स्पेसिफिकली है एट एनी स्टेज। उसके पक्ष में भी हिंदू पक्ष ने जो कई केस लॉस दिए हैं अयोध्या वाला, जिसमें उसमें कहा गया है कि एट एनी स्टेज कमीशन कैन बी कमिट एनहांस्ड एंड और एविडेंस कलेक्ट कराए जा सकते हैं। विनीत जी, एक तथ्य और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 के पूजा स्थल विधेयक का मामला भी आज कोर्ट में रखा गया। धार्मिक स्वरूप को तय करने की बात की गई कि पहले इसकी पोषणीयता पर फैसला हो जाना चाहिए, ये पूरा मामला क्या रहा, ये कितना आपके फेवर में रहा, कितना उनके फेवर में रहा? इसको केवल कोर्ट ने सुना, सुनने के लिए सुना, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ाया। ये मैटर ऑलरेडी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वो वहां पे सब जुडिस है। उसको कोर्ट ने सुना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने पढ़ के सुनाया कोर्ट को, कोर्ट ने उसको सुन लिया। बाकी सारे पक्षों को लिखते हुए आर्गुमेंट्स कंक्लूड करते हुए जजमेंट रिजर्व कर लिया और 3 अगस्त की डेट लगाई। 3 अगस्त को सुबह कितने बजे, सुबह दोपहर या शाम, कोई समय भी बताया? प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए वो बाद में नोटिस आती है, अलग से नोटिस आती है, वो लिस्ट में लग के आता है। तब तक 3 अगस्त तक ASI के सर्वे पर रोक रहेगी? जी हाँ, वो जो आज तक के लिए इंटरिम वो थी वो बढ़ के अब 3 अगस्त तक के लिए। दीपक जी, बिल्कुल 3 अगस्त तक के लिए रोक लग चुकी है ASI के सर्वे पर, और यहाँ पर 1991 का जो पूजा स्थल विधेयक है उस कानून को भी पढ़कर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुनाया गया है। ठीक है जी, विशाल एक बार शिवांगी के पास चल लेते हैं, उनके पास भी कोई मेहमान है। शिवांगी, इस बात का भी जवाब लीजिएगा कि बार बार ये कमीशन जो कमेटी सेटअप की है लोअर कोर्ट ने, उस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सबूत इकट्ठे करवाना ये अदालतों का काम नहीं है, ये तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो है इस तरह से ये फैसला है, इस तर्क को किस तरीके से देखते हैं वहां पर मौजूद लोग और आप? बिल्कुल दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के ही मदन मोहन यादव जी हैं, लगातार हम देख रहे हैं आप लोग कोर्ट में अपनी बात रखते रहे। लेकिन पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, कि 3 तारीख तक ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, आप लोगों की क्या आगे की रणनीति होगी? वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी, उसके बाद अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो क्या करेंगे? निसंदेह ये 3 अगस्त तक हम प्रतीक्षा करेंगे, और इस बीच आर्ग्यूमेंट के बाद मुस्लिम पक्ष के और हमारे पक्ष में, और आर्कियोलॉजी ने जो वहाँ पे शपथ पत्र दिया है, इस सब के आलोक में हम और भी तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हमें संतोषजनक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है माननीय हाई कोर्ट का, तो अवश्य हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसका दरवाजा हमारे लिए भी खुला हुआ है। दीपक जी, आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? दीपक जी, आप अपना सवाल दोहराइए, जरा इस सवाल को आप सुनिए और इसका जवाब आप दीजिए। जी, मैंने कल एक मुस्लिम पक्ष के वकील को सुना था, उनका कहना था ये तो लोअर कोर्ट जो है सबूत इकट्ठे करवा रही है कोर्ट कमीशन भेज के, और ये काम कोर्ट का नहीं है। जी जी, नहीं, याद रखिए यह कोर्ट का भी सब्जेक्ट है कि वह युक्त निर्णय होना चाहिए, और वो बड़े पैमाने पे इसका पूरा आगा पीछा देख के कहीं भी मीन में कोई भविष्य में नहीं निकाल सके, तो उसका आधार है राम जन्मभूमि में, उसका आधार अंततः आर्कियोलॉजी सर्वे की ही कार्रवाई हुई, तो इस नाते मुझे मेरा निवेदन है कि वो अवश्य ही हमें भी वो अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने हमें अवसर दिया है कि हम आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने की बात नहीं, परंतु निर्णय युक्त हो इस आधार इसके लिए आवश्यक है। शिवांगी, दूसरी तरफ भी मेरे पास एक वकील कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवांगी, मैं चाहूंगा कि वो हम दिखा दें, ये तस्वीरें क्या है, कौन सी पुस्तक की है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? मैं अपने पैनल से PCR से पूछ रहा हूँ, ये क्या तस्वीर है, कौन सी किताब को रिफर किया जा रहा है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? हमारे किसी रिपोर्टर ने इसे देखा है?
तो देखो ये तस्वीर दिखाई जा रही है, हमारा मंदिर है आदिविशेश्वर और इस पे गुंबद बना के इसको मस्जिद बताया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे एसआई सर्वे होगा तो ये चीजें निकल के आएंगी। अभी भी जो कमिश्नर के सर्वे में चीजें निकल के आई हैं, ऐसे में ये साबित हो जाएगा। ये फोटो नील गट्सो एक जर्मन नागरिक थे जो कि 15 साल बनारस में रह के उन्होंने फोटोग्राफी की है 1975 से 1990 तक। तो ये 8 नवंबर 1991 की फोटो आप देख रहे हैं, ये स्पष्ट है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद जो है सीधे गुंबद है। हमने चीज जो साहब को ये जो है यही हमारा मंदिर है आदिविशेश्वर और इस पे गुंबद बना के इसको मस्जिद बताया जा रहा है। सवाल है मंदिर के ऊपर गुंबद बनाकर इसे मस्जिद बनाया जा रहा है, क्या यही मामला है? समझने की कोशिश करेंगे और यही मामला है, इसीलिए तो जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि एसआई का सर्वे ना हो। एसआई सर्वे से मुस्लिम पक्ष को क्या आपत्ति है समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ संगीत रागी हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, राइट विंग से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। संगीत रागी जी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश बीजेपी के, एमएलए हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन मेरे साथ हैं। दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के लीडर मेरे साथ हैं। शाहिद अली साहब वकील मेरे साथ हैं और राशिद शरीफ साहब प्रेसिडेंट साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेरे साथ हैं। शुरुआत आपसे ही करता हूं दानिश जी, अब 3 तक का इंतजार है लेकिन फैसला यही आएगा कि भाई उसका सही स्वरूप क्या है, क्या उसके अंदर था मंदिर या मस्जिद, इसको ऐसा ही तलाशेगी और जब आप वो तलाशेगी तो आपकी कलई खुल जाएगी। आप दानिश कुरैशी जी, आपका दावा जो है खोखला साबित हो जाएगा। देखिए स्वरूप की अगर बात की जाए तो आज दोपहर में या अभी अभी जो असर की नमाज हुई होगी वहां पर वो क्या हुई, असर की नमाज हुई वहां, तो मतलब ये तो बिल्कुल साफ है। अब स्वरूप की बात कहां रह जाती है भाई, जो परिस्थिति है आज की परिस्थिति कह रहा हूं, आप बताइए दीपक भाई क्या कहेंगे। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, 1000 पहले क्या था, 1000 पहले तो मंदिर था ना वो। आप जो कह रहे हैं कि 1669 ने औरंगजेब को मंदिर की जगह तो मस्जिद बनाई, गुंबद बता दिए पिलर के ऊपर। अरे उसके सुनिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें बहुत सारे स्वरूप बदले रहे अलग अलग राजाओं के दौर में अलग अलग रजवाड़ों के दौर में, लेकिन जब से देश में संविधान लागू हुआ तब से जो कानून की बात है हम उसी की तो बात कर रहे हैं। और मैं तो आज की बात कर रहा हूं कि आज अभी वहां अभी जो असर की नमाज हो रही होगी उसका आप वक्त निकाल लीजिएगा, अभी हुई होगी, अभी फिर मगरिब होगी, फिर ईशा होगी, ये सब आपके सामने है। आपकी बात मानी, यानी औरंगजेब ने जो मस्जिद बनाई वो हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई, आप ये बात मान रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि कई हिंदुओं ने तोड़ा फोड़ी की, कई राजाओं ने अपने अपने ढंग से चीजों को देखा, मतलब आप मान रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? चलिए सभी, अरे सभी राजाओं के दौर में हुआ, सुनिए किसी एक की बात ही मत करिए आप। पर मैं तो नाम ले रहा हूँ, असल लिखा हुआ है 1669 का आदेश है उसका जो सार्वजनिक है। अरे सुनिए जी मैं आपको बताऊं, जब हमारे यहाँ संविधान लागू हो गया उसके बाद कोई इफ एंड बट रहता नहीं है कानून के अधीन। जब हम उसकी बात करते हैं 1937 से मुकदमा चल रहा है सर, 1937 में भी अंग्रेजों के कई सबूत हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। नहीं तो अब वो जब अगर हम पीछे का ही सब कुरेदने लगेंगे तो फिर तो क्या 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 निकलेगा बताइए, निकलेगा क्या ये बताइए। अरे पता तो लगे ना धार्मिक स्वरूप क्या है, मंदिर सारी मस्जिद कैसे पता लगेगा, जिस चीज का कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता उसमें क्या पता लगाएंगे आप बताइए। तो मतलब दानिश भाई सब कानून समझते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब ऐसा ही है अंगूठा छाप, कानून और संविधान से दानिश कुरैशी जानते हैं। नहीं हम ऐसा कहा कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात हमारे दिमाग गले तो नहीं उतर रही है। मतलब आप ही ने तो बोला कि कई राजाओं ने मंदिर मस्जिद तोड़ी, हालांकि किसी राजा ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, सबसे पहले केरला में एक राजा ने ही मस्जिद बनाई थी। सुनिए मेरी बात, अपने 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 दौर में हरेक राजाओं ने अपने तरीके से सारे उतार चढ़ाव किए, क्योंकि जब देश में संविधान लागू नहीं था लोकशाही नहीं थी, तब राजा शाही थी, अपने अपने दौर से रजवाड़े चला रहे थे। ठीक है संगीत रागी जी, आज दानिश कुरैशी जी थोड़ा सा मान गए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा और मानना है दानिश कुरैशी जी। देखिए Z News